इस वीडियो जो हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए दोस्तों, जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, 2 फरवरी को आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम है। एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वायरल है दोस्तों, और आप सभी के एग्जाम से सीधे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 2 फरवरी को, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, अंत तक सभी देखना है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है दोस्तों, 20 आपको लघु उतरेंगे जिसमें से और सिर्फ 10 का जवाब देना है, 6 रहेंगे दीर्घ उत्तरी जिसमें से और सिर्फ 3 का जवाब देना है, टोटल पूर्णांक रहेंगे 70, 30 आपको प्रैक्टिकल रहेंगे जो 100 में से 70 सैद्धांतिक रहेंगे, 30 आपको प्रैक्टिकल रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए 2 फरवरी को आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ठीक है। तो अंत तक सभी देखना, ठीक है, सब्जेक्टिव भी मैं दूंगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सारे प्रेस कर देना, ताकि आगे के जो पार्ट लेकर आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न है, कहा गया है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो SI मात्रक होता है, एक बार फिर से बता दो, बहुत ही विभिन्न है दोस्तों, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को सीधे परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा और सारे को सारे रटते चलिए, ठीक है, समय बहुत ही कम है। देखिए पहला प्रश्न है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो SI मात्रक होता है कितना होता है। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का जब भी पूछा जाएगा SI मात्रक, वो होता है कूलम्ब गुने है ना 1 बटा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, या फिर कूलम्ब इनटू होता है दोस्तों यहां पे मीटर, इस तरीके से भी आप लोगों को एग्जाम्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे एक का डी आप लोगों को याद रखना है, कूलम्ब गुने 1 बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ऑप्शन एंड नोट का मान, ये तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, और ये फ्री के मार्क्स है, और ये आपको कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है ना, ऑप्शन एंड नोट का। तो ऑप्शन एंड नोट का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10^-12 फोर्स पर मीटर, ठीक है। मीटर जो दिया गया, कभी कभी आपको सेंटीमीटर और कभी कभी किलोमीटर, हालांकि आपको मीटर में ही दिया जाएगा बार बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का 1 के साथ चलना है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि आवेश है, ठीक है, जो क्यू से आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब पूछा गया है विद्युतीय तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता इलेक्ट्रिक का। देखिए क्यू और आर, यहाँ पे क्यू से आर दूरी पर पूछा गया है ना, तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1/4 πε0 × Q/r² क्या हो जाएगा, Q/r², इसको ध्यान में रखना, ये तो आपको कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो ये होता है Q/r², ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर देख लेते हैं, कहा गया है आपका कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों Q/ε0 होता है, ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी 4 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है, सूत्र होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, देख लो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज क्या होता है। देखिए फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 0 के बराबर, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, जब भी निरक्षय स्थिति में बात है, इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल पोजिशन में जब रहेंगे तब इलेक्ट्रिक डायपोल का मान जब पूछा जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पटिका और संघनक पटिका के आवेशों का योग पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है, 0 के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर 6 का ए। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं कि आवेश का बीमा, अब देखो ये भी प्रश्न है दोस्तों, आवेश का यहाँ पे बीमा पूछ लिया गया है। सबसे पहले आवेश का आपको SI मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है, उसका आप लोग डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो, सही उत्तर हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि वोल्ट पर मीटर जो होता है वो विद्युतीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि आपेक्षिक परावैद्युतांक का जो मात्रक होता है वो कितना होता है। देखिए आपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगी, कोई नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो समतुल्य धारिता होती है, धारिता का पूछा गया, और वो भी समांतर क्रम में, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों समांतर क्रम में धारा के विपरीत होता है धारिता में, ठीक है, तो ये हो जाएगा C1 + C2, दोनों को जोड़ देंगे आसानी से, तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। यदि यही श्रेणी क्रम में रहता तो ये होता C/2 के, ये श्रेणी क्रम के लिए है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी, टू सी के इक्वल टू। अगला देख लेते हैं कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है वो कितना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए के बराबर, ठीक है, 11 का बी सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है कंटिन्यूस होता है, सतत होती है, ठीक है। तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए के इक्वल टू हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होता है आपका माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई के इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं, कहा गया है आपका निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और क्रांति कोण भी पूछा जाता रहा है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, क्रांति कोण कांच का, लोहा का और पानी का, ठीक है, सॉरी कांच का हीरा का और पानी का, ये तीनों का पूछा जाता रहा है अपवर्तनांक, लेकिन सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 के लगभग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। ऑप्शन नंबर 15 का ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष सबसे पहले ये देख लेते हैं किसका मात्रक है, तो दूरी का यहाँ पे मात्रक है, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर होती है, तो 16 का सही उत्तर ए। कभी कभी आप लोगों के यहाँ पे किलोमीटर दिया जाएगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा ऊपर में। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है। तो देखिए लेंस मेकर सूत्र जो यहाँ पे सही है वो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगी 17 का, ठीक है। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रकाश पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। देखिए 4/3 होता है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा म्यू बराबर 1.3333, इस तरीके से आते रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 18 का। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं, कहा गया दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है ना। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है कुसी का, देखिए कुसी का समीकरण पूछा गया है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका म्यू बराबर होता है 1/λ + b/λ², ये कुसी इक्वेशन है, ठीक है ना, कुसी इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पे आई दिया एल दिया गया है दोस्तों, सॉरी आई, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए सही क्या है, रिलेशन बताना है दोनों में, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बीच आपको रिलेशन बताना है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे। ये कई बार आप लोग को बता रखा है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी पूछे जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के माध्यम के लिए आप जो बदलने से नहीं बदलता है वो होता है दोस्तों आपका आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति से फ्रीक्वेंसी से नहीं बदलता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कलांतर पथांतर दिया गया है यहाँ पे, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, तो कौन सा रिलेशन सही है, तो यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ × पाथ डिफरेंस, यही आपका कलांतर बराबर 2π/λ × पथांतर, यही सही उत्तर है 23 का ए। 24 देख लेते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए जो सही है वो है आपका कलांतर बराबर 2n+1 × π, ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 25 नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है, तो प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है आपका तरंग दैर्ध्य, क्या है 25 का ए सही उत्तर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। अगला देख लेते हैं 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, तो आवेश रहित यहाँ पे फोटोन होता है, इस पर कोई भी आवेश जो है नहीं होती है, ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा सी। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, वो होता है ऊर्जा, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा कॉमर्शियल यूनिट होता है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है बच्चा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है, तो फोटोन की ऊर्जा के लिए जो इसका सूत्र है HC/λ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है आप लोगों को। चलिए 29 देख लेते हैं कि तरंग संख्या वेव नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/λ के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है, तो नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है आर बराबर यहाँ पे R0a^1/3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी, 30 का ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे दोस्तों 31 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध वो सही है। तो 1U बराबर होता है यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.6605 × 10²⁻²⁷ किलोग्राम। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर, याद रखिएगा पूछा जाता है। अब देखिए औसत आयु के लिए कौन सा सही है निम्नलिखित में से, देखिए टी नोट बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर आपका 32 का 1/λ। ठीक है, चलिए 33 नंबर देख लेते हैं। कहा क्या है आपका कि न्यूट्रॉनों की संख्या, देखिए यू यूरेनियम दिया गया है दोस्तों यू, ठीक है ना, 238 92, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में यहाँ पे घटा देंगे हम लोग 238 माइनस आपको 92, तो हो जाएगा 146, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। 34 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ पे पूछा गया द्विधारी में, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 2^0, 2^1, ये तो होगा नहीं, इसको देख लेते हैं 2^, हाँ यही आपका सही है दोस्तों। 34 का क्या हो जाएगा ए, 2^0, 2^1, 2^2, तो 2×2 = 4 × 1, बाकी सभी 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4+0+0, तो ये हो जाएगा 4 = 4, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि द्विआधारी योग जो है 1+1 के बराबर जो होता है कितना होता है, देखिए 1+1 जो होता है वो 1 0 के बराबर होता है, न कि आपका 1, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस के हैं 35 किए, इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगले पार्ट लेकर आएंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग लेकर आने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते लिए, बाय बाय सभी को।